जी आज किस तरह का प्रदर्शन रहेगा किसानों का? आज ये पूरे देश भर से में ही रहेगा काफ़ी जगह, और ये डीएम के यहाँ पे है, ज्ञापन देंगे। और जो हमारे एमएसपी गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे। स्टेट की जो समस्या होगी वो भी अपने ज्ञापन में लोग देंगे, और एक भारत सरकार को, क्योंकि दोनों जगह की समस्या है, तो अब अपना वो लिखेंगे डीएम के माध्यम से वो हर स्टेट के मुख्यमंत्री को, और भारत सरकार का ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएगा। तो ये करीब 11-12 बजे से शुरू होकर ये 2-3 बजे तक ये प्रोग्राम चलेंगे। क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगे इस ज्ञापन? देखो, मुख्य मांगे अगर केंद्र सरकार की बात करें तो एक बड़ा इशू है एमएसपी गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी पे अगर गारंटी नहीं मिलती तो किसान को नुकसान होगा, पूरे देश के किसान को नुकसान होगा। उस पर कानून बन जाए जो सरकार को खरीद कर नहीं, सरकार खरीद कर ले, लेकिन व्यापारी प्लेयर जो आ रहा है प्राइवेट प्लेयर वो सस्ते में खरीद ना करें, इसके लिए बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं, और ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगा। चंडीगढ़ में जो वार्ता का दौर चला वो फेलियर हो गया है, तो देखो सरकार नहीं मान रही तो फेल ही होगा। चंडीगढ़ भी वार्ता हुई तो फेल ही होगा, सरकार अगर नहीं मानेगी तो फेल होगा। तो क्या यूपी से भी किसान अब दिल्ली को? अभी उसका प्लान बनाएंगे, कल एसकेएम की मीटिंग दिल्ली उसमें चंडीगढ़ में है, उसमें तय करेंगे आगे की रणनीति, कैसे इस आंदोलन को आगे और बढ़ाना है। कल एसकेएम के सभी लोग उसमें आएंगे। तो क्या पंजाब के जो किसान हैं उनका समर्थन, मतलब नहीं नहीं, ये जो भी वे किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वो अकेले पंजाब के नहीं है, उनका इशू पूरे देश भर का है। तो आप चंडीगढ़ में रहेंगे कल? कल चंडीगढ़ का प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, अभी आज ये मीटिंग हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। एसकेएम की कल मीटिंग है चंडीगढ़ में एक दिन की, और एसकेएम तय करेगा कि हमको आगे कैसे काम करना है, कैसे आंदोलन करने, क्या बड़ा मूवमेंट करना। तो कोई मतलब बड़ी अहम बैठक होगी वो? हाँ, अहम बैठक रहेगी, और ये फिजिकल रूप से बैठक हो रही है, बहुत दिन बाद में ये बैठक हो रही है। एसकेएम के साथ पंजाब के साथ उसमें रहेंगे साथ में? पंजाब की बहुत जत्थेबंदी है, तो एसकेएम तो फिजिकल रूप से सभी जत्थेबंदी के लोग उसमें आएंगे, यूपी से भी रहेगी, उसके देश भर से लोग उसमें आएंगे, वहाँ बैठ के एक दिन की मीटिंग होगी और आगे की रणनीति वहाँ पर बनाएंगे।